यूजली आप सब वेबसाइट या वेब सर्वर्स को सर्व करते टाइम एक हल्की सी नोटिफिकेशंस आप सबने डेफिनेटली कभी ना कभी देखी होगी, उसमें लिखा होता है वी इंश्योर दैट हम आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे कुकीज के थ्रू। और ये बेसिकली नोटिफिकेशन आती है और आपसे पूछता है आपको क्या एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली में ये जो नोटिफिकेशन आती है और ये क्या है कुकीज जो आप सबको वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है कि बोलते हैं कि हम आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे, क्या आप सबको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये आपके कंप्यूटर के लिए सेफ है या नहीं है, एज अ प्राइवेसी भी मैं बात कर रहा हूं। तो यार वीडियो ना काफी ज्यादा आज की इन डेप्थ और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक टॉक चैनल। और वीडियो को यार स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको दबोच के ग्रे कर लेना, ताकि मैं इन फ्यूचर में भी ऐसे आप सबके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भरपूर मस्त मसालेदार वीडियोस लाते रहूं। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसी पावर और एनर्जी के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या है एक्चुअली में कुकीज। तो फर्स्टली ना ये जो कुकीज होती है ये एक टाइप ऑफ फाइल है एंड बेसिकली ये टेक्स्ट फाइल होती है। ये जितनी भी फाइल्स होती है ये आपका एक पर्टिकुलर ब्राउजर सेव करके रखता है। लाइक सपोज अगर आप सब Amazon की वेबसाइट पे जाते हैं और Amazon जो है वो एक कुकी इनेबल वेबसाइट है, और सपोज अगर आप सब Amazon पे कुछ भी सर्च करते हैं ये लाइक प्रोडक्ट सर्च करते हैं कौन से प्रोडक्ट को आपने परचेस किया है, तो ये जितना भी प्रोसेस होता है वो सब कुकीज सेव करके रखता है। मतलब कि इन फ्यूचर आप सब दोबारा शॉपिंग करने आओगे Amazon पे तो वो जो कुकीज है वो कुकीज की हेल्प से आपको सजेस्ट करता है कि आपको जो पसंद है कुकीज के द्वारा वही शो होती है। तो बेसिकली यही काम भी होता है कुकीज का, जो भी उस ब्राउजर से कुकीज आ रही होती है वो हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाती है। अब इससे फायदा क्या होता है ना कि जब भी आप सब नेक्स्ट टाइम लाइक सपोज कोई भी वेबसाइट पे गए हैं या कोई भी Amazon की वेबसाइट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इससे होगा क्या Amazon की वेबसाइट पे गए नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे तो Amazon आप सबको अपना जो आपने प्रीवियस शॉपिंग की है उसके जैसे रिकमेंडेशंस आप सबको देगा और आपके स्क्रीन के सामने रखेगा। और ये सारी चीजें कुकीज की मदद से हुई। तो आप सबको यार क्लियर हो गया होगा क्या होता है एक्चुअली में कुकीज। ये चीज बताने के बाद कुकीज में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, पहली बात बता दूं कुकीज यहाँ पे डेटा या इंफॉर्मेशन को लेता है आपके पीसी से। लाइक सपोज अगर आप सब एक ऐसी वेबसाइट पे गए जो कि एक कुकी इनेबल वेबसाइट है, या आप सब ने अगर कुकीज को इनेबल कर लिया है जब भी आप सब वेब सर्वर्स या वेब पेज पे सर्विंग कर रहे हैं, तो बेसिकली बहुत सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कुकीज आपके कंप्यूटर से उठा लेता है। लाइक सपोज आप सब कितने देर तक उस वेबसाइट पे हैं, कितनी बार उस वेबसाइट्स पे गए हैं, आपने जो वेबसाइट से लॉग इन या लॉग आउट इंफॉर्मेशन है, ये जितने भी प्राइवेसी रिलेटेड चीज है ये सारी जितनी भी पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन है ये शेयर होती है। वो वेबसाइट को पता चल जाएगा, आपका टोटली रिकॉर्ड रहेगा कि आप कितनी बार उस वेबसाइट पे आए हो, आपने पास्ट में कितनी बार विजिट किया है उस वेबसाइट पे, और आपके शॉपिंग बास्केट, और या तो आप सब जो भी शॉपिंग कर रहे हो क्या शॉपिंग कर रहे हो एग्जैक्टली में, क्या आपने कार्ड नंबर दे रहे हो अकाउंट नंबर दे रहे हो, ये सारी चीजें वो शेयर हो जाती है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सो अब सवाल आता है कि क्या आप सबको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो गाइज इसको मत ही करना, क्योंकि यार अगर आप सब अपने पीसी में ऐसे काम करते हैं जो कि पर्सनल या प्राइवेसी ओरिएंटेड काम है, तो इससे तो क्या होगा जो कुकीज आपसे रिमूव कर देंगे तो आपकी जो डिटेल्स है इंफॉर्मेशन है वो शेयर होगी अदर वेब ब्राउजर्स पे, ब्राउजर्स को पता चल जाएगा, वो वेबसाइट जो भी बताई है वो सारी चीजें ये कवर अप हो जाएगी और पता चल जाएगा। एंड ये चीजें स्पेशली थर्ड पार्टी कुकीज में होता है। थर्ड पार्टी कुकीज में लाइक को पता कैसे चलेगा, उस जो भी आप सब कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वहां पे ढेर सारे एड्स आएंगे, साइड में पॉपअप हो जाते हैं एड और नीचे कुकीज का इंफॉर्मेशन आ जाता है कि आप सबको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। तो ये जितने भी है ना ये सब थर्ड पार्टी कुकीज होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, आपके पर्सनल प्राइवेसी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी चीजें शेयर होती हैं उस वेब ब्राउजर्स पे। कुकीज को एक्सेप्ट करना मैं कहूंगा एक रॉन्ग थिंग है, मतलब मत ही करना, मैं अपने सेफली बता रहा हूं, आपकी प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा इसमें मायने रखती है। बट बाकी यहाँ पे बहुत सारी ट्रस्टेड कंपनी है लाइक Amazon, Flipkart, Snapdeal, फेसबुक, ये सब एक कुकीज इनेबल वेबसाइट्स हैं
और ये ट्रस्टेबल है, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि अमेजोन पे आप कुछ चीजें कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आप सबको अमेजोन तक ही सीमित रहती है। तो मेक श्योर जब भी आप सब कोई वेबसाइट्स पे जा रहे हो तो ध्यान दो कि वो वेबसाइट अगर कुकीज इनेबल नहीं है तो मत ही करना। अगर आपको नोटिफिकेशन ऐसी आती है कुकीज इनेबल की, या आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आप सब अगर इनेबल कर देते हैं ये सब थर्ड पार्टीज कुकीज की, ये सब स्ट्रेटेजी होते हैं ये सब करने की, तो इसको मत ही करना। बहुत सारे वेब ब्राउजर्स में पता ही है कुकीज को हम परमानेंटली डिसेबल भी कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, क्रोम में जाना, वहां पे सेटिंग में जाना, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, वहां पे आपको दिखेगा ब्लॉक ऑल कुकीज वेबसाइट, तो आप सबको उसको कर देना है। उसके बाद आप सब इजीली कोई भी वेबसाइट जब भी आप चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी प्राइवेसी रिलेटेड या आपके कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं होगी। गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। यार होपफुली थोड़ी सी मैंने आज की वीडियो थोड़ी सी सोची काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की। आप सब अगर वेब ब्राउजिंग ज्यादा करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सबको थोड़ी बहुत ध्यान देनी चाहिए, और मेक श्योर ध्यान देना ये जितनी भी थर्ड पार्टीज कुकीज होती है इससे अवेयर रहना चाहिए। बाकी गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली मजा आया होगा, तो लाइक कर बिना नहीं जाना है, और हम मिलते हैं ऐसी एकदम एक्साइटेड वाली अगली वीडियो के साथ। तो ओके बाय बाय।